देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों यह बात करीबन सन 1998 की होगी। मैं उस समय अपनी पत्नी के साथ रहता था और मेरा गांव का नाम भैगन था। हमारा गांव एक छोटा सा गांव था। हमारे गांव अपने राज्य के सबसे बड़े मेला लगाने के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। और उसी वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों ही मेरी नई नई नौकरी भी लगी थी। मैं जो काम करना चाहता था मुझे वही काम करने के लिए मिला क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था इसे पाने के लिए। और हमारी ज़िंदगी एकदम अच्छे से व्यतीत हो रही थी। मगर हमें क्या पता था कि आगे हमारे साथ कुछ ऐसा भी होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मार्च का महीना था और उसी साल मार्च के महीने में हमारे गांव का सबसे बड़ा मानने वाला मेला होने वाला था और कुछ ही दिनों में मेला लगने वाला था। उस वक्त हम लोगों में एक उत्साह की लहर दौड़ रही थी मेला घूमने के लिए क्योंकि शादी के बाद यह हमारा पहला त्यौहार था। हम सभी लोग बहुत खुश थे मगर हमारी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। अब मेले का दिन भी आ गया था और हम लोग नए नए कपड़े पहन के मेला घूमने चले गए। वो मेला बहुत ही बड़ा था और हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आए थे। मगर हमारे गांव की एक परेशानी थी, हमारे गांव का किनारा शमशान घाट के रास्ते पर था। गांव में आने के लिए उसी शमशान वाले किनारे से होकर आना पड़ता था। हमारे गांव वाले उस शमशान को अपवित्र मानते थे। गांव के लोग उस शमशान घाट से होकर जाने के लिए बहुत डरते थे। मगर मैं इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मैं भूतों पर कभी यकीन नहीं करता था। फिर हम उस रास्ते से मेला देखने चले गए और हमने मेला अच्छी तरह से घूम लिया और फिर हम ठीक ठाक घर पर आ गए। फिर मेला देखने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला। मगर फिर एक दिन मेरे एक रिश्तेदार जो मेरे गांव में रहते थे उनकी अचानक ही मौत हो गई। हम लोग काफ़ी दुखी थे उनकी मौत को लेकर क्योंकि वो हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे और उनकी मौत सुबह के 6 बजे हुई थी। उन्हें कंधा देने वालों में मैं भी शामिल था। हम लोग उन्हें शमशान घाट लेकर जाने लगे और उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। जब हम लोगों ने उनके शरीर को आग लगाई तब मैं अंदर से काफ़ी दुखी था। मुझसे और यह सब देखा नहीं जा रहा था इसलिए मैं पीछे मुड़कर घर वापस चला गया। मुझे क्या पता था कि पीछे मुड़ के चले जाना यह गलती मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। और उस दिन मुझे काम करते करते थोड़ा ज़्यादा समय हो गया था और काम के चलते काफ़ी रात भी हो गई थी। उस रात मैं कुछ ज़्यादा देर तक ही काम करता रहा और ऑफिस से निकलते निकलते देर रात हो गई थी। मैं अपने दफ्तर से घर की ओर बढ़ने लगा। अब मुझे उसी शमशान घाट का रास्ता पार करना था। मैं अभी शमशान घाट के रास्ते को पार ही कर रहा था कि तभी मुझे शमशान घाट से कुछ आवाज़ें आने लगीं। मैं शमशान घाट के अंदर जाकर उस आवाज़ की ओर गया तो मैंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे रो रही है। वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी और लगातार रोए ही जा रही थी। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है और बैठ के रो क्यों रही है। मैं उसके बारे में अभी सोच ही रहा था कि तभी वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं डर से बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि वो औरत कहाँ पर चली गई। मुझे लगा कि यह मेरा वहम होगा वरना शमशान घाट के किनारे इस तरह कोई औरत क्यों रहेगी। वैसे भी उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैं जल्दी से घर पर गया और मुझे पूरी रात बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। फिर रात को ही मुझे बुखार भी हो गया था और जब सुबह हुई तब मेरी बीवी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गई और मैंने भी आराम करने के लिए दफ्तर से एक दो दिन की छुट्टी ले ली।
छुट्टी के अगले दिन ही हम लोग सोच रहे थे कि हम कहीं पर घूमने जाएंगे, और वैसे भी मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था। शायद घूमने से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तो इसी वजह से हम लोग घूमने की तैयारी करने लगे। और अगले ही दिन हम लोग घूमने जाने वाले थे, मगर हमें कहाँ पता था कि यह ट्रिप हमारे लिए इतना खौफनाक होगा और हमें इतना महंगा पड़ेगा। फिर तभी हमने अपनी सारी तैयारी कर ली और हम लोग काफ़ी खुश भी थे, और फिर हम घर से निकल गए। हम लोग जहाँ जाने वाले थे वो जगह हमारे घर से काफ़ी दूर थी, इसलिए हमने सोचा था कि ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं रहेंगे और जल्दी ही घर वापस लौट आएंगे। हम लोग जाकर एक बस स्टैंड पे बैठ गए, जो बस वहीं से जाती थी, मगर बस में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। मुझे लगा कि इस समय के सीज़न में ज़्यादा लोग घूमने नहीं जाते हैं, इसलिए शायद बस में भीड़ नहीं है, मगर हमारा यह मजा आगे जाकर सजा बनने वाली थी। वो जगह देखने में तो ठीक ही लग रही थी और वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा खासा था। अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी और मैं अब पहले से भी अच्छा महसूस कर रहा था। फिर हमने वो जगह अच्छी तरह से घूम लिया और हम अब बहुत थक भी गए थे, इसलिए मैंने कहा, हमें घूमते हुए काफ़ी समय हो गया है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। फिर हमने अपना सारा सामान अपने बैग में रख लिया और घर आने के लिए वहाँ से उसी वक्त निकल गए। उस समय देर रात का समय चल रहा था, क्योंकि हम वहाँ कुछ ज़्यादा समय ही रुक गए थे। तभी हम सड़क पर आकर गाड़ी की तलाश करने लगे, और गांव में तो वैसे ही कम गाड़ियाँ होती हैं और बस भी अपने समय पर ही आती है, इसलिए हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, मगर हमारी कोशिश अभी जारी थी। अब हमें बहुत समय हो गया था गाड़ी ढूंढते ढूंढते, मगर कोई भी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। फिर हमने सोचा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और गाड़ी की खोज भी जारी रखनी चाहिए, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ने लगे। और हमारे चारों ओर घना जंगल था, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। हम काफ़ी समय से चल रहे थे, मगर कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही थी वहाँ पर गाड़ी मिलने की, मगर हम कर भी क्या सकते थे, इसलिए हम लोग बस चलते ही जा रहे थे। और अब हमारी हालत भी खराब हो रही थी, अब हमारे भीतर और आगे चलने की क्षमता नहीं बची थी, इसलिए हम रोड के पास एक पत्थर पर जाकर बैठ गए, क्योंकि उस वक्त हम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, और किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। हमें वहाँ पर बैठे हुए कुछ समय हुआ ही था कि तभी हमने देखा कि एक बस हमारी तरफ आ रही थी, और उस बस को देखकर हम लोग बहुत खुश हो गए। अब हमारी थकान उतरने वाली थी। मैं बस के सामने जाकर खड़ा हो गया और बस रोकने के लिए हाथ दिखाया। मुझे देखकर वो बस रुक गई। फिर हम दोनों बस में चढ़ गए, और तभी मैंने कंडक्टर को कहा कि हमें हमारे गांव जाना है। मेरी बात सुनकर उस कंडक्टर ने मुंडी हिलाई। उसका व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लगा, मगर हम लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए हमने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह पर जाकर चुपचाप बैठ गए। पहले तो मुझे लगा कि बस में कोई नहीं है, मगर जब मैंने अपनी नज़र लास्ट सीट पर घुमाई तो मुझे एक औरत दिखाई दी। मुझे वो औरत उस शमशान घाट की औरत जैसी लग रही थी, जिसे मैंने शमशान घाट में देखा था। मैंने तभी देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि वही शमशान वाली चुड़ैल है। फिर पता नहीं कैसे मैं उससे टकरा गया और उसके आर पार हो गया। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही पता नहीं किसी ने खींचकर मुझे बस से बाहर फेंक दिया। तभी मेरी बीवी को किसी के गिरने की आवाज़ आई। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो मैं बाहर सड़क पर था। फिर उसके बाद मेरी बीवी बहुत ज़ोरों से चिल्लाई और बस ड्राइवर को बस रोकने को कहा। बस ड्राइवर ने जल्दी से बस रोकी और वो दोनों रोड पर उठाने गए। फिर उन दोनों ने मुझसे पूछा कि आप बाहर कैसे गिरे, तो मैंने अपनी सारी बात उन दोनों को बताई, और यह सब सुन के उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ।
फिर बस ड्राइवर ने कहा कि मेरे बस में आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। फिर बस ड्राइवर ने जल्दी से बस स्टार्ट की और हम दोनों बड़े डरे सहमे अंदाज में चुपचाप बैठे थे। बस ने हमें जल्दी ही घर पर पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद उस हादसे को लेकर मैं आज भी कंफ्यूज हूँ कि वो औरत थी कौन और मुझे किसने बस के बाहर फेंका। और मुझे लग रहा था कि यह सब मेरे साथ शमशान घाट से मुड़े जाने की वजह से तो नहीं हुआ। फिर उस दिन के बाद मैं इन सब चीज़ों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, वरना ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता उस रात। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।